नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की रेमेडी में हम आपके लिए लाए हैं कि आप किस तरह से अपने चेहरे से दाग धब्बों को हटाकर अपने चेहरे के रंगत को निखार सकें। दोस्तों आज की हमारी ये रेमेडी बहुत ही कारगर है क्योंकि हमारे चेहरे से दाग धब्बों तथा काले निशानों को हटाकर हमारे चेहरे पर एक नया ग्लो प्रदान करती है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चेहरे पर जो चिकन पॉक्स के दाग धब्बे होते हैं, जो माता के धब्बे होते हैं, उन धब्बों को भी यह हमारा नुस्खा गायब करने में सक्षम है। तो दोस्तों आप हमारे इस नुस्खे को एक बार जरूर ट्राई करके देखें। तो चलिए दोस्तों इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इस नुस्खे में हमें सबसे पहले चाहिए 1 से 1.5 चम्मच लेमन का जूस, यानी कि नींबू का रस। तो दोस्तों 1 से 1.5 चम्मच हम नींबू का रस इसमें ऐड कर लेते हैं। दोस्तों ये 1.5 चम्मच हमने नींबू का रस इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी हल्दी। दोस्तों कस्तूरी हल्दी बहुत ही नेचुरल हल्दी है और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो हल्दी बिल्कुल नहीं है जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किचन में इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी का रंग डार्क पीला होता है और कस्तूरी हल्दी का रंग बहुत ही कम मात्रा में पीला होता है और इसके कारण हमारे चेहरे पर पीलापन भी बहुत कम नजर आता है। दोस्तों कस्तूरी हल्दी एक बहुत ही नेचुरल औषधि है हमारे चेहरे से दाग धब्बों को हटाने के लिए। तो दोस्तों आप इस कस्तूरी हल्दी का इसमें उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम 1/2 चम्मच कस्तूरी हल्दी को इसमें मिलाएंगे। ये दोस्तों 1/2 चम्मच कस्तूरी हल्दी हमने इसमें ऐड कर ली है। दोस्तों इस कस्तूरी हल्दी में क्रक्यूमिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के बैक्टीरिया और वायरस को रिमूव करने में बहुत ही हेल्प करता है, जिसके कारण हमारी त्वचा यानी हमारी स्किन बेदाग और ग्लोइंग नजर आने लगती है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें तीसरी चीज जो ऐड करनी है वह है दोस्तों विटामिन ई का कैप्सूल। यह दोस्तों आप इसके बारे में जानते हैं, यह इवियन कंपनी का 400 mg का कैप्सूल है। तो आपको इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लेना है, ऐसे काट लें और उसके बाद इसको इसमें ऐड कर लें। दोस्तों इस तरह से इसका पूरा तेल इसमें डालने के बाद आप इस तेल को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। दोस्तों विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे हमारे शरीर में नमी समाती है और हमारी त्वचा चमकदार बनती है, क्योंकि इसमें कोई भी कार्बनिक तेल ऐड नहीं किया जाता, जिसके कारण यह हमारे शरीर के चक्तों को रिमूव करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो दोस्तों विटामिन ई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस कारण विटामिन ई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस कारण विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स होने के बाद आपको इस तरह से ये दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई किस तरह करना है वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप अपने चेहरे को वॉश कर लें और उसके बाद आप इसको इस तरह से लें और अपने चेहरे पर इस तरह से आप इसको अप्लाई करें और 5 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करें, क्योंकि दोस्तों मसाज करने के बाद यह हमारे चेहरे से दाग धब्बों को हटाना रिमूव कर देता है। इसलिए दोस्तों आप इसको अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक हल्के हाथ से जरूर मसाज करें। दोस्तों इस तरह से आप अपने चेहरे पर इसको 5 मिनट तक मसाज करें, हल्के हाथ से मसाज करें। यह मिश्रण हमारे उन सभी दाग धब्बों को जो पिंपल्स के कारण हुए हैं या चिकन पॉक्स के कारण हुए हैं, उन सबको रिमूव करना शुरू कर देगा। ये बहुत ही इफेक्टिव औषधि है हमारे चेहरे से पिंपल्स के निशानों को और चिकन पॉक्स या माता के दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए। तो दोस्तों आप इसको 5 मिनट तक हल्के हाथ से इस तरह से मसाज करें। दोस्तों आपको यह प्रयोग कई दिन तक लगातार करना होगा। दोस्तों यदि आपके चेहरे पर ज्यादा दाग धब्बे हैं या ज्यादा निशान हैं, तो आपको कई दिनों तक यह प्रयोग करना होगा, लेकिन इस बात में आप श्योर रहें कि यह उन दाग धब्बों को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों इस कस्तूरी हल्दी में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज और एंटी बैक्टीरियल नामक तत्व होते हैं जो हमारे चेहरे से पिंपल्स और दाग धब्बों को हटाने के लिए पूरी तरह से काम करते हैं और हमारे चेहरे को ग्लोइंग और चमकदार बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। और दोस्तों यदि हमारे चेहरे पर पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें, क्योंकि यह आने वाले पिंपल्स को भी हमारे स्किन पर आने नहीं देता, यानी हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाए रखता है। और दोस्तों विटामिन ए कैप्सूल हमारे चेहरे से दाग धब्बों और झाइयों को हटाने का काम करता है और हमारी स्किन को हमेशा जवान बनाए रखने में बहुत ही मदद करता है। तो दोस्तों 5 मिनट अप्लाई करने के बाद आप इसको सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और दोस्तों सूखने के बाद आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। दोस्तों यह प्रयोग आपको कई दिन तक लगातार करना है। दोस्तों यदि आप अपने चेहरे से दाग धब्बों और पिंपल्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको इसका प्रयोग कई दिनों तक लगातार करना होगा। और दोस्तों सूखने के बाद आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इसका प्रयोग शाम के वक्त करना है, यानी आपको इसे दिन में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे
यानी जब आप इस नुस्खे को अपने ऊपर अप्लाई करें तो आप इसको शाम के वक्त अप्लाई करें, यानी आप इसको अप्लाई करने के बाद धूप में आपको नहीं जाना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नुस्खा जो आपके पिंपल्स के निशानों और चिकन पॉक्स या माता के निशानों को गायब करने के लिए बनाया गया था, जो बहुत ही इफेक्टिव औषधि है आपको इन सारी परेशानियों से दूर करने के लिए। तो दोस्तों आप इसका एक बार जरूर ट्राई करें और हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।